बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्दी एंड टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन के मज़ेदार किस्म के यूनिक कबाब। अंदर से बिल्कुल मलाई जैसे और बाहर से क्रिस्पी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये फ्राई पैन लिया है जिसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर एक छोटी सी प्याज जिसको मैंने ऑमलेट स्टाइल काट ली थी मैं वो डाल दूंगी। ये देखिए, हल्का सा इसको सॉटे करेंगे, बस को हमें कलर नहीं देना है, बस वो इसका हल्का सा इसको सॉटे करेंगे प्याज को। ये देखिए, मैंने प्याज सॉटे कर ली है। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, बस को भी हल्का सा मैं इसके साथ सॉटे कर लूँ। ये देखिए, लहसुन अदरक के साथ भी प्याज को मैंने सॉटे कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डाल दूंगी, एक बाउल चिकन है जो मैं इसको डाल दूंगी। और मैं इसके अंदर डालूंगी ये वेजिटेबल्स है, ये मेरी एक छोटी सी हरी मिर्च, शिमला मिर्च लेके इसको मैंने बारीक काट लिया था वो डाल दूंगी। इसी तरीके से मैंने बंद गोभी ले लेती है, ये 1/2 कप बंद गोभी है, ये डाल दूंगी। आपके पास जो वेजिटेबल्स हो आप डाल सकते हैं, अगर गाजर है ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें जो मसाले डालेंगे वो कुछ यूँ है, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गर्म मसाला, पिसा हुआ गर्म मसाला। इस तरीके से 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। बस हम हल्का सा इसको सॉटे कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, बस थोड़ी देर हम इसको सॉटे करेंगे। ये देखिए, मैंने वेजिटेबल और चिकन को अच्छी तरीके से सॉटे कर लिया है। बस हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि चिकन वैसे भी गली हुई है। बस अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दूंगी। ये देखिए, मैं इसके साथ ही मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। बस अब मैं इसको एक तरफ रख दूंगी और उसको ठंडा होने दूंगी जब तक हम इसका क्रीमी सॉस तैयार करते हैं। ग्रेवी सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मक्खन डालूंगी, ये 1 टेबल स्पून मक्खन है, और 2 टेबल स्पून मैं घी डालूंगी। आप चाहे तो उसको सिर्फ मक्खन से भी बना सकते हैं और घी से भी बना सकते हैं। सिर्फ 2 टेबल स्पून मैं घी डाल दूंगी, टोटल 3 टेबल स्पून हो गया। बस हल्का सा इसको हम गर्म होने देंगे। ये देखिए, मक्खन और घी पिघल चुका है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून, इसी तरीके से ये 2 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून, और इसको हम भूनेंगे। हम इसको दरमियानी आंच पे भूनेंगे, तेज आंच पे नहीं करेंगे। ये देखिए, अच्छा इसका हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इस मैदे को भूनेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। और ये देखिए, झाग झाग सी बन रही है और अच्छी सी स्मेल भी आ रही है इसमें से, यानी कि अच्छा सा भून चुका है। ये देखिए, बस थोड़ी देर में और भूनूंगी। ये देखिए, अच्छा सा भून चुका है। बस हम मैं इसके अंदर अब 1 कप 1.5 कप दूध डालूंगी। ये देखिए, ये 1 कप दूध है, मैं पहले आहिस्ता आहिस्ता करके डालती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी। इसी तरीके से हमने डालना है इसमें। अब जो 1/2 कप दूध है वो भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर, पहले मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छी तरीके से, और ये मैं 1/2 कप दूध भी डाल दूंगी। अब इसमें जो मसाले डालेंगे वो कुछ यूं हैं, बस के अंदर मैं दो ही मसाले डालूंगी, ये 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च काली मिर्च है और 1/4 टीस्पून नमक है, क्योंकि नमक हमने मसाले में भी डाला था। बस को हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसके अंदर हम वही वेजिटेबल्स डाल देंगे जो मैंने अभी फ्राई करके रखी थी, और ये तेज आंच पे नहीं करना है, इसको स्लो आंच पे ही करते जाना है। बस ये मुसलसल चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। इसमें स्लो से मुराद बहुत दम पे नहीं, दरमियानी आंच पे। ये देखिए, ये क्रीमी सॉस इस तरीके से आपका तैयार हो रहा है। ये देखिए, मुसलसल चम्मच चलाते हुए ये गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखें, जब ये इस फॉर्म पे आ जाए, इतना गाढ़ा हो जाए, तो हम फिर वही वेजिटेबल डाल देंगे जो हमने वो पका के रखी थी। ये देखिए,
ये चिकन और बंद गोभी और शिमला मिर्च वाली की वेजिटेबल्स। फिर हम इसको इसके साथ पकाएंगे, इस क्रीमी सॉस के साथ अब हम पकाएंगे। ये देखिए क्रीमी सॉस जैसा ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए बस हमें इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए अच्छी तरीके से, क्रीमी सॉस और ये वेजिटेबल आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है वेजिटेबल्स और ये व्हाइट सॉस आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। बस अब मैं चूल्हा बंद करके इसको एक प्लेट में एक बाउल में निकाल दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए मैं फ्रिज कर में रख दूंगी इसको ताकि ये सेट हो जाए। आलू का मिक्सचर तैयार करने के लिए ये मैंने 5 से 6 आलू लेके दरमियाने साइज के आलू लेके इसको बॉईल कर लिया था और इसको फिर मैंने ठंडा कर लिया था, छिलका उतार के फिर मैंने इसको ठंडा कर लिया था। अब हम इसको ग्रेटर की मदद से इसको हम ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा ठंडा करने का ये फायदा होता है कि आराम से ग्रेटर से आराम से ग्रेट हो जाते हैं तो ये हाथों में या वैसे चिपकते नहीं है और कोई गुठली भी नहीं बनती। ये देखिए मैंने तमाम आलू इसी तरीके से कर लिए हैं। अब जो इसमें मसाले डलेंगे वो कुछ यूं हैं, इसमें डलेगा 1/2 टेबल स्पून नमक, नमक हल्दी जरूर जितना आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं, वैसे मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून डाला है। इसी तरीके से 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई कुटी हुई काली मिर्च। और बस अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरीके से उसमें मिक्स कर लूंगी। ये देखिए मैंने तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, मैंने आपको 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च कहा था लेकिन मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लोर जो सूप वगैरह में चलता है, इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून। बस अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लूंगी आलूओं में। ये देखिए ये आलू भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैंगे और ये क्रीमी चिकन सॉस भी ठंडा हो चुका है। बस अब हम इसके बनाएंगे कबाब। सबसे पहले मैं ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लूँगी ताकि मुझे कबाब बनाने में आसानी रहे। अब मैं एक आलू उठाऊंगी इस तरीके से और इसको इस तरह ऐसे मैं इसको फ्लैट कर लूँगी हाथों की हथेली में। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून वही क्रीमी सॉस डालूंगी, ये देखिए, और इसको मैं आप इस तरीके से बंद कर दूंगी। इस तरीके से मैं तमाम बना लूंगी। आप इन कबाबों को इस तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने ये इस तरीके से आलू ले लिया है और इसको आप इस तरह कटोरी की तरह बना लीजिए। ये देखिए ये इस तरीके से बना लीजिए, ये हाथों की मदद से इस तरह इसको बनाए ताकि आपको आसानी रहे। और उसके अंदर हुई फिर मिक्सचर मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल दूंगी। ये बस अब मैं हल्के हाथों से मैं इसको दबाती जाऊँगी। अगर ये कहीं से फट रहा हो तो कोई आप परेशान ना हो, उसको बस आप पानी के हाथ लगा के हल्का हल्का इसको आप दबाते जाए तो ये जुड़ जाएगा। बस इस तरीके से करते जाएंगे ये अंदर जाता जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा रह गया, ये भी बन हो जाएगा। ये देखिए तरीके से ये भी बन गया। और अगर आपका ऐसा टूट रहा तो हल्का सा पानी का हाथ लगाइए और इसको इस तरह जोड़ दे तो ये आलू जुड़ जाएंगे। ये देखिए इस तरह ये देखिए मैंने इसी तरीके से तमाम कबाब बना लिए हैं। ये देखिए मैंने ये एक बाउल में 2 अंडे ले लिए हैं। अब मैं इसके अंदर चुटकी भर में इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी और चुटकी भर ही नमक डाल दूंगी और इसको अच्छी तरीके से हम फिर फेंट लेंगे। ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उस तरह मैं इसको डाल के फेंट लिए हैं। और यहाँ मैंने 1 कप यहाँ मैंने बैटरम ले लिया है, ये 1 कप बैटरम है। ये देखिए बस मैं एक कबाब उठाऊंगी और इसको मैं अंडे में ट्रिप करूंगी पहले और फिर इसको मैं बैटरम में फोल्ड कर दूंगी
ये अच्छी तरीके से मैं इसको बैटर पे कर लूंगी। ये देखिए ये मस्त हो गया। ये देखिए तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं, अब मैं इसको सेव कर लूँगी। अब कुछ मैं इसको फ्राई करूँगी और कुछ मैं फ्रीजर में इसको सेव कर लूँगी। सेव करने के लिए ये मैंने इस तरह का स्टोरेज बॉक्स ले लिया है। अब इसमें प्लास्टिक रख के और इस तरीके से मैं ये रख दूँगी। ये आप इसको 2 हफ्ते तक फ्रीज कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको गर्म गर्म तेल में फ्राई कर लिए। ये देखिए सर एक चॉपर इसके ऊपर रखेंगे, इसी तरीके से हम इसको फ्रीज कर देंगे। बाकी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने एक फ्राई पैन में पहले ही ऑयल गर्म करने को रख दिया था। बस अब मैं इसमें एक एक करके ये कबाब जो मैंने बना लिए हैं ये डालते जाऊंगी फ्राई करने के लिए। ये देखिए आपको उसके बबल्स नजर आ रहे होंगे, ऑयल इतना गर्म होना चाहिए। बस अब ये जब नीचे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको पलट लूंगी। ये नीचे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको पलट दूंगी। ये प्याज से हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए कुछ छोटे छोटे से बन लग रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए इसको मैंने डिश आउट कर लिया है कि मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी क्रीमी कबाब आलू चिकन के कबाब तैयार हो चुके हैं। ये आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं, अपने गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं कि पार्टी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है और बर्थडे पार्टी में भी बच्चे इनको बहुत पसंद करेंगे। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। मैं ये कबाब उठाऊंगी और मैं अंदर से आपको उसको काट के इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये किस तरीके का है ये देखिए। ये देखिए ये अंदर तक इसकी ये क्रीमी और ये क्रिस्पी। ये क्रिस्पी पना आप इसका चेक करें, क्रिस्पी आएंगे और ये अंदर से क्रीमी कबाब है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।